नमस्कार, मैं प्रोफेसर मंगला रानी पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय पटना से। बहुत सुखद है कि मैं एक विश्वविद्यालय के पेज पर हूँ। मुझे विश्वविद्यालयीय माहौल पसंद है और मुझे मेरे बच्चे पसंद हैं, और मैं बीएन मंडल विश्वविद्यालय के पेज पर आज आमंत्रित हूँ एक नए विषय के साथ। मैंने विश्वविद्यालय के पेज के लोगों से बात की थी, जब उन्होंने मुझसे आग्रह किया कि मैं कुछ बोलूं, और उन्होंने कुछ विषय दिए थे जिसमें मैंने एक व्यक्तित्व को चुना, जिस व्यक्तित्व पर बात करने की आवश्यकता मैंने महसूस की थी। मैं अतिशय प्रभावित थी और तब मैंने एक यह विषय चुना था, और यह था डॉक्टर सीताराम दीन का विराट व्यक्तित्व, एक अद्भुत व्यक्तित्व, और उसकी चर्चा बिहार की भूमि पर तो खूब होनी चाहिए थी, जो आज मैंने यह विषय चुना है। और अपने संपूर्ण इस मंच के माध्यम से मैं संपूर्ण कोने कोने में पहुंचना तो चाहती ही हूं, लेकिन ख़ास तौर से मैं विद्यार्थियों को संबोधित हूं जिन्होंने आंखें बिछाए हुए हैं, जो मेरी बातें सुनने के लिए, इस विषय पर कुछ सुनने के लिए। मैं आपको अवश्य कहना चाहूँगी, मेरे विद्यार्थियों, बीएन मंडल विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों और बिहार के सभी विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों, क्योंकि हमें सबसे पहले अपनी जगह के प्रति जागरूक रहना है, अपनी पहचान के प्रति जागरूक रहना है, जागृत रहना है, समझना है हम कहाँ से उठकर आगे बढ़ रहे हैं, आसपास कैसे लोगों को हमने देखा है, इस मिट्टी में कैसे कैसे महानुभाव पैदा हुए हैं। इसको जाने बगैर, अपनी मूल को, मूल भूमि को जाने बगैर कितना भी हम आगे बढ़ जाएं, हम हवा में उड़ते ही रह जाएंगे। हमें अपनी मिट्टी की पहचान अवश्य होनी चाहिए, और इसी संदर्भ में बिहार के एक महान व्यक्तित्व डॉक्टर सीताराम दीन के विषय में आज निर्धारित हुआ यह चर्चा होनी है, और मैं इसके लिए आप सबके बीच प्रस्तुत हूँ। जब मैं विद्यार्थियों से बात करती हूँ और जब मैं विश्वविद्यालय परिसर में विद्वानों से बात करती हूँ, तो हमेशा ही चले हुए विषय, कुछ चले हुए विषय ले लिए जाते हैं। जैसे कि अभी भी मैं जब इस विषय पर बात करने की प्रक्रिया में आई हूँ, इसके पहले भी चर्चा हो रही थी कि क्यों ना दलित चिंतन की बात की जाए, स्त्री चिंतन की बात की जाए, तो इसके ऊपर मैं दो शब्द अवश्य कहना चाहूँगी कि दलित कौन होता है। दलित वो नहीं होता जिसका जिसका शोषण होता है। दलित विचारधारा है, दलित वो लोग हैं जो शोषण करते हैं, दलित वो कतई नहीं हैं जिनका शोषण हुआ है। अगर ऐसा होता तो हमारे बिहार से, उत्तर प्रदेश से इतने सारे मजदूर अंग्रेज ले गए थे, और आज वो मॉरिशस में, यूनान में, फिजी में, कहाँ कहाँ जाकर उन्होंने एक ऐसा देश बना लिया जिसको देखकर सारे लोग कहते हैं कि वाह, कितना साफ सुथरा, कितना प्रगतिशील, कितना प्रगतियुक्त देश है। अभी मैं मॉरिशस घूम के आई, वहाँ हमारी मिट्टी है, हमारा मूल है, लेकिन वो जाति पर चर्चा नहीं करते, वो धर्म पर चर्चा नहीं करते, वो सिर्फ विकास की बातें करते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी भाषा बना कर रखी है, अपनी पहचान बना कर रखी है, अपने वस्त्र बना के रखे हैं, और सब वैसा ही है जैसे वो गए थे। तो हमें हमेशा ही विकास करना है, अपनी मिट्टी को स्मरण रखते हुए, अपने रूट को स्मरण रखते हुए, और हमें किसी भी छोटे दायरे में नहीं बंधना है। आज मैं इसीलिए इस व्यक्तित्व को आपके समक्ष लेकर आई हूँ कि सेल्फ मेड व्यक्तित्व क्या होता है, जो अपना निर्माण खुद करता है वह व्यक्तित्व क्या होता है, वह कौन होता है जिसके अंदर इतनी ऊर्जा, इतना तेज और इतनी उदारता, इतनी विशालता होती है कि वो कहाँ से कहाँ तक जाता है। कब तक स्त्रियाँ दामन फैलाकर भीख मांगती रहेंगी, वो बहुत आगे बढ़ चुकी हैं, अब उनको किसी की सहानुभूति की आवश्यकता नहीं है, और यह जो सहानुभूति लेने की जो अंदर उनके अंदर चाहत है, यह इनको पीछे लेकर जा रहा है, और वो अब इसके योग्य नहीं है कि उन पर दया की जाए, वो बहुत शक्तिशाली हो चुकी हैं। उसी प्रकार कोई दलित वर्ग नहीं है, कोई
कोई भेदभाव नहीं है, सबको समान अवसर मिल रहा है और सभी विकास कर रहे हैं। मैं अपने बच्चों को कहूंगी, छोटे दायरे से बाहर निकलो, बड़े हो जाओ। जाति और धर्म से कोई बड़ा नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता। ऐसा ही होता तो आज अंबेडकर साहब के बनाए संविधान पर पूरा देश नहीं चल रहा होता। उतना विराट व्यक्तित्व हमारे समक्ष होते हुए क्या हम उनको दलित कहेंगे? तो अपनी इन छोटे दायराओं से हमें बाहर आना है और चिंतन का कोई गोल घेरा बनाकर नहीं रखना है, विशाल दायरे में आना है। और इसी संदर्भ में मैं चर्चा करूंगी एक सुकुमार कवि, एक मजबूत शिक्षक, एक महान विद्वान, एक समर्थ लेखक जिसने अपनी छाप छोड़ी। कहाँ चित्तौड़ के से कुछ लोग आए थे जो नेपाल की के बॉर्डर पर सीतामढ़ी स्थान है, वहाँ आकर बसे थे और उन्होंने वहाँ अपनी दुनिया बनाई और उस दुनिया में इतना नाम किया कि आज विश्व स्तर पर उनकी चर्चा होती है। और ऐसे उन लोगों में डॉक्टर सीताराम दीन का नाम अग्रगण्य है। मैं कोई भी चर्चा होती है तो दो रूपों में होती है, जीवनी और कर्तृत्व के रूप में। तो मैं उनकी जीवनी की थोड़ी चर्चा अवश्य करूंगी क्योंकि बच्चों को यह जानना है कि रूट से, मूल से धरती पर खड़ा हुआ एक इंसान किस प्रकार आकाश तक बढ़ता है, किस प्रकार अपने स्वयं के कर्म से, अपने बाहुबल से, अपने तेज से और अपनी मेहनत से, ईमानदारी से वह कहाँ तक बढ़ता है। इसके लिए मैं उनकी जिंदगी, उनके जीवन की थोड़ी चर्चा करूंगी। जब वो लोग वहाँ से सीतामढ़ी आए थे तो सारा क्षेत्र उनका अपना था और उस क्षेत्र में वो बस गए थे और सारे लोग जमीन वाले लोग थे और समृद्ध लोग थे और अपनों के की साया छत से हट जाने के बाद एक बालक की क्या स्थिति होती है, जब उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेवारियां होती हैं, पिता का साया हट जाता है, फिर परिवार का दारोमदार आता है और उसे कितना संघर्ष करना पड़ता है, सब कुछ उसके हाथ से कैसे छिन जाता है और कैसे वह पुनः कुछ भी नहीं से शुरू करता है। इसका एक जीता जागता उदाहरण है सीतामढ़ी के डुमरी गांव का डॉक्टर सीताराम दीन। अत्यंत संघर्ष से 12 साल की अवस्था में, जब उनके पिता नहीं रहते हैं, 12 साल की अवस्था में जब उनके पिता का देहावसान हो जाता है तो वह बालक अपने घर में माता, दो बहनें और भाई के साथ साथ संपूर्ण समाज को देखता हुआ आगे बढ़ता है, तकलीफ़ों में गुजरता है और जब नहीं संभाल पाता तो वह भाग कर सेना में भर्ती हो जाता है। आपको बहुत आश्चर्य होगा कि सेना में भर्ती होने के लिए उनकी वह उम्र नहीं थी, उस वक्त वह कम उम्र के थे। 12 साल से आगे बढ़कर संघर्ष करते हुए वो 2-3 साल वो उधर गुजारते हैं, उसके बाद वो फौज में आ जाते हैं, उनकी उम्र नहीं होती, उम्र 17 साल की थी, होनी चाहिए थी और उस समय वो 15 साल के थे। तो किसी तरह से उनको एक छोटे काम में रख लिया जाता है और वहाँ कैंटीन में काम करता हुआ वह बालक अपनी पढ़ाई जारी रखता है। फिर 1929 में इनका जन्म हुआ था और 1947 में राष्ट्र आज़ाद होता है, अपना देश आज़ाद होता है और उस समय जब वो वहाँ की सेवा से मुक्त होते हैं तो बालक ही रहते हैं। लेकिन जो लोग उस समय देश की फौज में थे उनके लिए एक वृत्ति, एक स्कॉलरशिप मिलता है, तो उस स्कॉलरशिप को लेकर वह वापस आते हैं, वह अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं, अपने परिवार को आगे बढ़ाते हैं, सबकी शिक्षा पूरी करवाते हैं घर में सारे भाई बहनों की, और किस प्रकार वह व्यक्ति अपना विकास करता है। और आश्चर्य आपको इसलिए होगा कि वह बालक छोटेपन से इतनी सुंदर रचनाएं रचता है कि बड़े बड़े दिग्गज साहित्यकारों के बीच उनकी पैठ होती चली जाती है। वो डुमरी गांव से, सबसे एक उदाहरण मैं अवश्य देना चाहूँगी कि वह जब वहाँ से लौट के आते हैं फिर भी निर्धनता कहाँ पीछा छोड़ती है, वह गरीबी में ही आगे बढ़ रहे हैं, पढ़ने के लिए पैसे नहीं होते हैं, मेहनत करते हैं, पैसे
कुछ पैसे आते हैं, उससे परिवार का भरण पोषण होता है। और वैसे में एक बार की घटना उल्लिखित है, गांव वाले कहते हैं, और मैंने बहुत सारे संस्मरणों में, लोगों के संस्मरणों में देखा और पढ़ा कि किस प्रकार वो एक बार स्कॉलरशिप की एक परीक्षा थी विश्वविद्यालय की, उसके लिए सीतामढ़ी से मुजफ्फरपुर पैदल चलकर आए थे और उन्होंने वो परीक्षा दी थी और पूरे जिले में वो टॉप हुए थे। ऐसे उस व्यक्तित्व की चर्चा करने मैं बैठी हूँ, तो गौरव है कि उस मिट्टी में, बिहार की मिट्टी में उनका जन्म हुआ था, और गौरव है कि वो साहित्य विधा से आगे बढ़े बाद में। और मेरे जो बच्चे हैं जिन्होंने अभी मुझसे बात की थी इस संदर्भ में, इस वाचन के संदर्भ में, उनसे भी मेरी यह बात हुई थी कि उधर के बच्चे किस तरह से प्रेरणा पाएंगे आगे बढ़ने के लिए, जिनको नकारात्मकता और गरीबी दिखाई देती है। तो ऐसे प्रेरणा पुरुष की चर्चा मैं कर रही हूँ जिसने अपने आप को कैसे बढ़ाया था। तो मैट्रिक करने के बाद जब वो इंटर में आते हैं तो लंगट सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर में नामांकन होता है। और आप सबको, सामाजिकों को, विद्वान को, देशवासियों को सुनकर बहुत हैरत होगी कि वह इंटर का विद्यार्थी, आप सबने दिनकर का नाम सुना है, दिनकर के साथ एक ही मंच पर कविता पढ़ना, कविता पाठ करना शुरू करता है। दिनकर उसे इतना प्यार करते हैं, जबकि वो वहाँ पर पढ़ा रहे थे लंगट सिंह विश्वविद्यालय में, गुरु थे उनके और उनको पढ़ाया करते थे, और यह इनके प्रिय शिष्य हो जाते हैं। और उनकी कविताओं से वो इतने प्रभावित होते हैं कि उनकी कविताएं जहाँ दिनकर जी पढ़ रहे होते हैं, वहाँ दीन जी, डॉक्टर सीताराम दीन भी कविता पढ़ते हैं। वह शुरुआत है, और आश्चर्य इसलिए होगा कि वह जब 18-19 साल के होते हैं तो एक संकलन मुजफ्फरपुर उस समय साहित्य का गढ़ हुआ करता था, और एक संकलन निकलता है जहाँ संकेत नाम से, उसमें बड़े बड़े साहित्यकार उसमें छपते हैं, उसमें एक संकलन है पुस्तक, अभी भी लाइब्रेरी में वो पुस्तक मिल जाएगी, जिसमें दिनकर जी भी छपे हुए हैं, जिसमें जानकी वल्लभ शास्त्री हैं, जिसमें कविवर रमन हैं, जिसमें रामदयाल पांडे जी हैं, जिसमें आरसी प्रसाद सिंह हैं। उस समय वह बालक 19 साल का डॉक्टर सीताराम दीन भी उसमें एक कविता, और उस कविता की इतनी प्रशंसा है कि बादल विषयक, हिंदी साहित्य के इतिहास में बादल विषयक जितनी कविताएं हैं उन सब अच्छी अच्छी सर्वश्रेष्ठ कविताओं में वो कविता उनकी परिगणनीय है, और आज लोग उसकी चर्चा करते हैं। यह एक अत्यंत गौरव का विषय है। मैं आगे बढ़ती हूँ। वह वहाँ से पटना विश्वविद्यालय से, लंगट सिंह कॉलेज से पटना विश्वविद्यालय की तरफ आगे बढ़ते हैं, और फिर पटना के स्थायी निवासी हो जाते हैं। यहीं रहते हुए उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और यहीं पटना में प्रोफेसर हुए। और उन्होंने जो साहित्य की सब सारी विधाओं में अपनी लेखनी चलाई है, वो कवि हैं, बहुत सुकोमल कवि हैं, और उतना ही मजबूत व्यक्तित्व का इंसान है। वह फौज का रहा हुआ, उस जमाने में फौज में रहा हुआ अनुशासित व्यक्ति अपने इस अनुशासन को अपने जीवन में उतार कर चलता है और अनुशासित देखना चाहता है। इसलिए जब सुनती हूँ मैं कि जब वो कॉलेज में अपने महाविद्यालय में जाते थे तो सारे लोग बिल्कुल शांत और उनको आदर से रास्ता दिया करते थे, लेकिन उतने ही सहृदय बच्चों के बीच, उतने ही लोकप्रिय, उतने ही मर्यादित। तो ऐसे उस व्यक्तित्व ने क्या कुछ दिया जीवन के संदर्भ में, इतनी चर्चा करने, बहुत सारे विषय हैं, बहुत सारी चीज़ें उनके विषय में कही जाती हैं कि वो बहुत बहुत सारे मित्र थे उनके, और हर पीढ़ी के मित्र थे उनके, और उन्होंने कभी भेद नहीं किया बड़े छोटे में, एक चपरासी से लेकर एक यहाँ का मुख्यमंत्री तक और यहाँ का राज्यपाल तक उन्हें उतने प्रेम से अपने यहाँ बुलाता था, और साहित्य चर्चा होती थी, और उनके यहाँ बड़े बड़े लोग आते थे, और देश भर के साहित्यकार उनसे मिलने पटना में आया करते थे, ऐसा उनका माहौल था। और मात्र 59 साल की अवस्था में उन्होंने अपनी देह छोड़ दी, वो इस लोक से चले जाते हैं, लेकिन वो क्या कुछ देकर आते हैं जाते हैं, इसकी चर्चा मैं करने वाली हूँ। साहित्यकार के विषय में बात करें तो उसने क्या कुछ दिया है, तो गद्य और
पद्य दोनों ही विधाओं में उन्होंने बहुत कुछ लिखा, लेकिन कम उम्र में चले जाने के कारण बहुत सारी चीज़ें उनकी प्रकाश में नहीं आ सकी। आज भी उन्होंने, वो कबीर प्रिय थे, उनको कबीर बहुत प्रिय थे और कबीर के भक्त कहे जाते थे, और कहते हैं कि कबीर की जिंदगी को वो जिया करते थे। कबीर के सिद्धांतों से इस प्रकार प्रभावित थे कि कबीर की जिंदगी को जिया करते थे। तो उनके सारे शोध, उन्होंने डीलिट की डिग्री के लिए जो शोध प्रबंध प्रस्तुत किया था, कबीर के दर्शन और काव्य के स्रोत, आज तक प्रकाश में वो पुस्तक नहीं आ पाई है। उनके जाने के बाद पटना के साहित्यकारों ने कोशिश की थी बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी से उसके प्रकाशन की। कुछ दिन तक प्रकाश उन लोगों ने रखा, और उसके बाद जो नहीं रहता है उसका कोई नहीं होता है। उसके बाद वो पुस्तक छप नहीं सकी, और इतना बड़ा शोध जिस पर उनको डीलिट मिला, वो शोध रह गया, वो अभी तक प्रकाश में नहीं आया है। तो गद्य की सबसे बड़ी देन जो है कबीर के दर्शन और काव्य के स्रोत ढूंढना कबीर के बारे में आसान काम तो नहीं था, बहुत विशद काम था। कबीर के दर्शन पर काम करना बहुत विशद काम था। वह काम अभी भी अंधकार में है, प्रकाशित नहीं हो सका है, और इस व्यवस्था ने ऐसी चीज़ों को नज़रअंदाज किया है। और मैं उनकी कविताओं पर चलूं तो मैंने कहा कि कम उम्र से जो वो लिखना शुरू करते हैं, तो उनकी पहली काव्य पुस्तक जो आती है उसका नाम है मांगलिका। मांगलिका में उनके जीवन के संघर्ष हैं, तो उनको छायावाद के अंदर हम समेट सकते हैं, उत्तर छायावाद में। उसमें प्रेम परक दार्शनिक कविताएं हैं जो गेय हैं, सारे के सारे गेय हैं, यानी गीत हैं। उन्हें मधुर गीतकार कहा जाता था, और उनके स्वर भी इतने सुरीले कि वो अपने सारे गीतों को खुद गाया भी करते थे। तो मांगलिका गीतों का एक बहुत खूबसूरत संग्रह है, जिसकी शुरुआत सरस्वती वंदना से उन्होंने की थी, और इस सरस्वती वंदना को उस वक्त सारे स्कूल और कॉलेज ने प्रार्थना के रूप में, अपने कॉलेज के स्कूल के प्रार्थना के रूप में रखा था। नमन तुझे शतबार ज्ञान की रश्मि चिरंतन जय हो, वाणी की झंकार गूंजती रहे चेतने जय हो। इतनी खूबसूरत रचना, इतने सुंदर शब्द, इतनी प्रांजल अभिव्यक्ति कविवर दीन की सुनकर मन मुग्ध हो जाता है। नमन तुझे शतवार ज्ञान की रश्मि चिरंतन जय हो, वाणी की झंकार गूंजती रहे चेतने जय हो। चेतना की जयकार करने वाला चेतनशील वह कवि मांगलिका में अपनी रचनाओं में, उसमें कुछ श्रृंगारिक भी हैं, लेकिन ज़्यादातर करुणा के स्वर हैं, क्योंकि वह संघर्ष कर रहा था। न जाने कहाँ इस अंधेरी निशा में, किनारे किनारे चला जा रहा मैं, कि ऐसी मधुर टीस लेकर जिगर में, स्वयं आज सुधि से छला जा रहा मैं। ऐसी ऐसी रचनाएं वह गाता था, और गाकर अपनी लोगों को इतना प्रभावित करता था। और पठनशील विश्व का कौन सा साहित्य होगा जिसे डॉक्टर सीताराम दीन ने नहीं पढ़ा होगा। जब आप कबीर के दर्शन और काव्य के स्रोत को पढ़ें तो पता चलता है कि कितनी गहरी साधनात्मक स्थिति थी उनकी पढ़ाई की, उनके अध्ययन की, कि उस अध्ययन का कोई था ही नहीं था। और जब उन्होंने मैंने मांगलिका की चर्चा की काव्य की पुस्तक में, तो एक पुस्तक और थी, साहित्यालोचन सिद्धांत और अध्ययन, जो भारतवर्ष में बहुत सारे विश्वविद्यालय में के पाठ्यक्रम में वो पुस्तक थी उस वक्त। उसके जाने के बाद वो पुस्तक हटा दी गई, लेकिन लोगों के बीच उसकी चर्चा बहुत रही। और मैं इस संदर्भ की चर्चा, जब मैं साहित्य के सिद्धांत की चर्चा करूँगी उनके, तो मैं ज़रूर करूँगी कि इस पुस्तक पर समीक्षा लिखने वाले पहले समीक्षक दिनकर जी थे, राष्ट्रकवि दिनकर, जिनका किसी भी पुस्तक पर समीक्षा कर देना ये एक अतिशय गौरव की बात थी। उन्होंने पत्र लेखन शैली में इस पुस्तक की समीक्षा की थी। साहित्यालोचन सिद्धांत और अध्ययन, यह पुस्तक जो विश्वविद्यालयों में बाद में लगी थी, और जम्मू कश्मीर में, मध्य प्रदेश में, रांची विश्वविद्यालय में, बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में यह किताब साहित्य के की धरोहर के रूप में स्वीकार की गई थी। और इसकी समीक्षा में राष्ट्रकवि दिनकर ने लिखा था कि इस एक पुस्तक को पढ़कर विद्वान हुआ जा सकता है।
मेरे बच्चों और मेरे खास तौर से हिंदी पढ़ने वाले बच्चों, ध्यान से सुनना। साहित्यालोचन सिद्धांत और अध्ययन पुस्तक अगर आपने नहीं पढ़ी तो आप अधूरे हैं। और बिहार में रहते हुए अगर आप इस बिहारी साहित्यकार को नहीं जानते हैं तो आप बहुत बहुत अधूरे हैं और कहीं ना कहीं भाग्य के खोटे हैं कि आपने इनको नहीं पढ़ा है। तो आपको अवश्य ही कहते हैं कि माला धारण जैसे करते हैं, तुलसी की माला धारण जैसे करते हैं, वैसे वो पुस्तक धारण किया करते थे लोग उस वक्त। और आज भी जिन्होंने उनको पढ़ा है वह सिरहाने रखकर सोते हैं, ऐसी वो पुस्तक है। और इतने सारे सैद्धांतिक विश्लेषण के साथ इतने रेफरेंस, इतने प्रसंग उस पुस्तक में मिलेंगे जितनी की सामान्य स्थिति में किसी भी पुस्तक में उपलब्ध नहीं है। और मैं कहूँगी कि बाबू श्याम सुंदर दास के बाद लंबी समय सीमा खत्म होती है, तब जाकर एक पुस्तक आती है साहित्यालोचन सिद्धांत और अध्ययन। बाद में नवयुग में आकर बहुत सारे लोगों ने साहित्यालोचन पर अपनी कलम चलाई, लेकिन उस एक पुस्तक को हिंदी वालों को पढ़ना आवश्यक है कि पढ़िए कि छोटे में बड़ी बातें किस प्रकार कही जाती हैं। और सबसे अच्छी बात उस पुस्तक में लगेगी जो कि दिनकर जी ने भी उस समीक्षा में यह कही थी कि सच है, जिसके अपने ही नाभि में कस्तूरी है वह बाहर क्यों जाएं, क्योंकि उस पुस्तक में सिद्धांतों के उदाहरण के रूप में जितनी पंक्तियां कही गई हैं वो सारी पंक्तियां डॉक्टर दीन की अपनी पंक्तियां हैं, अपनी काव्य पंक्तियां हैं। तो इसलिए दिनकर जी ने कहा था कि सच है, जिनकी नाभि में स्वयं ही कस्तूरी है वह बाहर क्यों भटके, वह अपनी ही खुशबू का इस्तेमाल करेगा। तो साहित्यालोचन के सारे उदाहरण, ज़्यादातर उदाहरण उन्होंने अपनी ही पंक्तियों से दिए हैं। और साहित्य के सिद्धांत पर विशद चर्चा की है। और अंत में उनके जाने के उपरांत जो चीज़ें आईं, हालांकि उन्होंने इशारा कर दिया था उसी समय सौंदर्य शास्त्र और शैली विज्ञान की चर्चा कर दी थी उन्होंने। सौंदर्य शास्त्र को तो वो जीते थे, एस्थेटिक जीवन था उनका। सौंदर्य बोध अगर नहीं है तो हम कुछ भी ग्रहण करने योग्य नहीं रहते। तो सौंदर्य बोध को अपने अंदर उतारने वाला वह व्यक्ति समीक्षक बहुत ही ऊंचे दर्जे का था। एक ऐसे विद्वान की चर्चा करने के लिए मैं बैठी हूँ, तो मैं मांगलिका की चर्चा करती हुई, उन्होंने उनकी जो दूसरी किताब निकली थी वह थी मनीषा दृष्टि और दिशाएं। डॉक्टर दीन बहुत अच्छे वक्ता थे, वो बहुत अच्छा बोलते थे, धारा प्रवाह इतनी स्वच्छंद भाषा और इतनी परिनिष्ठित भाषा बहुत कम लोगों ने से सुनी होगी। लोगों ने इतनी इस खूबसूरत भाषा का इस्तेमाल करते थे जिसमें अंग्रेजी के कोई शब्द नहीं आते थे, जबकि अंग्रेजी जब बोलना शुरू करते थे तो लोग विस्मय विमुग्ध हो जाते थे कि कहाँ और कब उन्होंने विश्व के ऐसे इतने साहित्य को पढ़ा होगा और इतनी भाषाओं पर अपनी पकड़ मजबूत की होगी। बिहार की बोलियों को भी वो बोला करते थे और वह आश्चर्य करते थे लोग कि मैथिली हो, भोजपुरी हो, बज्जिका हो, मगही हो, वो सारी भाषाएं, सारी बोलियां बोलते थे और साथ में बांग्ला भी बोलते और समझते थे। अत्यंत ऊर्जस्वित, ठहाके लगाने वाला वह व्यक्ति हमेशा ही ऊर्जा बांटता था, उसके आसपास सारे लोग मुस्कुराते हुए रहते थे, ऐसा वह व्यक्तित्व था। तो मनीषा दृष्टि और दिशाएं जो उनकी दूसरी पुस्तक थी उसके अंदर उनके भाषण संकलित हैं। उन्होंने इतने भाषण दिए थे कि उनके भाषण लोग संकलित करना चाहते थे कि वो इतने उम्दा और इतने श्रेष्ठ कोटि के भाषण होते थे कि उसको संकलित करने की इच्छा प्रकाशकों में रहती थी। और प्रकाशकों ने वो झांसी से किताब निकली थी और झांसी से प्रकाशक आए थे और उसको उन्होंने संकलित किया था। ये इनके भाषण संकलित हैं मनीषा दृष्टि और दिशाएं में। एक आपको आश्चर्य होगा कि उनके व्यक्तित्व का कितना दायरा था, कितने आयाम थे कि उन्होंने सैन्य विज्ञान पर भी पुस्तक लिखी थी। उस समय एनसीसी के विद्यार्थियों के लिए भी वह पुस्तक भी महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में शामिल था, संभवतः आज भी शामिल है, क्योंकि सैन्य विज्ञान पर इतनी उम्दा पुस्तक उस समय बच्चे बच्चे के पास हुआ करती थी। मैंने स्वयं एनसीसी के विद्यार्थियों को सैन्य विज्ञान की रूपरेखाएँ
पढ़ते और उस पर बातचीत करते और अनुसरण करते अपने कॉलेज में देखा है। तो इस प्रकार उन्होंने सैन्य विज्ञान पर भी पुस्तक लिखी थी। इसके अतिरिक्त उनकी जो गद्य पुस्तकें हैं, डॉक्टर दीन की प्रतिभा इतनी विस्तृत थी कि आकाशवाणी से उनके नाटकों का प्रसारण हुआ करता था और स्वयं उसमें वह एक अभिनेता के रूप में भी शामिल हुआ करते थे। तो रामू की झोपड़ी उनकी एक पुस्तक है, पुस्तिका कहना चाहिए, वो एक छोटी सी नाटिका है जिसको रेडियो रूपक कहते हैं, और रेडियो रूपक का प्रसारण हुआ करता था उस वक्त और वो उसके कलाकार हुआ करते थे। तो रामू की झोपड़ी एक बहुत ही सुंदर रचना है जिसमें नाटकीय तत्वों से आदर्श की स्थापना की गई है। वो एक आदर्शवादी थे, मूल्यवादी चिंतक थे, उन्होंने किसी भी मूल्य का, जीवन के किसी भी मूल्य का परित्याग नहीं किया था, सबके सकारात्मक पहलुओं को रखा था साहित्य में और अपने जीवन में भी। कहते हैं कि मूल्य परिवर्तनशील होते हैं, लेकिन मूल्य को जीवन में उतारा कैसे जाता है, और डॉक्टर सीताराम दीन से सीखा जा सकता था। मैं उनकी सामाजिक चेतना, जब मैं उनकी एक पुस्तक है मेरा मन पंछी, कबीर विषयक उनके विचारों का वह संग्रह है जो उन्होंने कबीर के दर्शन और काव्य के स्रोत जो थेसिस लिखी है उससे बिल्कुल अलग ललित निबंध शैली में यह पुस्तक है मेरा मन पंछी। मेरा मन पंछी में दुनिया का कौन सा दुनिया की कौन सी समस्या है जिस पर उन्होंने चिंतन नहीं किया था। वह और बड़े ही प्रेम भाव से हमन तो इश्क मस्ताना, हमन से होशियारी क्या, वो मस्त थे। और उन्होंने पहरुआ की तरह, एक पहरुआ जो रात्रि में विस्लिंग करता हुआ जागृत करता है, उनके हर आलेख एक पहरुआ की तरह समक्ष आते हैं और जागृत करते हैं कि कौन से मूल्य हमसे छूट रहे हैं और कौन से मूल्य को पुनर्स्थापित करने की आवश्यकता है, कौन से मूल्यों को पुनर्विश्लेषित करने की आवश्यकता है। जब हमारी परंपरा रूढ़ होने लगती हैं तो वही रूढ़ ही बन जाती हैं, और रूढ़ियों को तोड़ने की जो प्रबल भावना हम कबीर में देखते हैं वही प्रबल भावना हम डॉक्टर सीताराम दीन में देखते हैं। और मेरा मन पंछी के सभी निबंधों में उन्होंने किसी न किसी मूल्य की स्थापना की है और किसी न किसी समस्या की ओर, चाहे वह सामाजिक समस्या हो, चाहे वह राष्ट्रीय समस्या हो, चाहे वह पारिवारिक समस्या हो, चाहे वह पुरुषवादी या स्त्रीवादी समस्या हो, चाहे वह हमारे कैंपस की समस्या हो, शिक्षकों की समस्या हो, हर समस्या पर उन्होंने विचार किया है। और वह बहुत ही पढ़ने योग्य वह पुस्तक है मेरा मन पंछी। एक पंक्ति है उनकी, उगा एक नया सूर्य प्राची में, किरणों का टंग गया चंद हुआ है। वह सचमुच एक सूर्य की तरह प्रकट हुआ था वह व्यक्तित्व, स्वयं एक सूर्य की तरह प्रकट हुआ था वह व्यक्तित्व, और उसके प्रकाश से संपूर्ण बिहार प्रकाशित हुआ और संपूर्ण देश प्रकाशित हुआ। और आप देखेंगे कि उनके लिए जब वो चले जाते हैं तो विश्व के न जाने किन किन देशों से शोक संदेश आते हैं, और उनके प्रति यहाँ के साहित्यकारों और उनके परिवार ने स्मृति ग्रंथ निकाला था। उस स्मृति ग्रंथ को पढ़कर लगता है कि यह किस प्रकार लोगों के हृदय में बसा करता था, यह साहित्यकार किस प्रकार लोगों के हृदय में बसा करता था। वह गाता था, दीप मेटेगा मरण के ज्वार, नव निर्माण को हुलसित करेगा, मैं नहीं वह दीप जो कि प्रभंजनों से बुझ सकेगा। चेकोस्लोवाकिया के राजदूत, सूरीनाम के राजदूत, मॉरिशस के राजदूत, सबने उनके लिए जो शोक संदेश दिए थे वह पढ़कर आश्चर्य हो जाता है कि यह व्यक्ति किस प्रकार सबके हृदय में बसा हुआ था। उस समय चाहे वो सारे के सारे राजनीतिक गण हो या फिर एक सामान्य लोग, समाज का एक एक व्यक्ति रोया था उस व्यक्ति के लिए जिसको अभी बहुत जीना था, जिसको अभी बहुत काम करने थे, जिसके ठहाके गूंजा करते थे परिसर में।
सबसे अच्छा लगेगा जब कबीर के प्रति उनकी जब उनके जो काम होते थे तो वो सामाजिक कितने होते थे। तो हम देखते हैं कि कबीर के पद सामान्य जनों में, सामान्य मजदूर वर्ग में बहुत प्रचलित हैं और लोग उसको उसका गायन करते हैं। तो डॉक्टर दीन उन सामान्य जनों के को आमंत्रित करते थे अपने कॉलेज में, अपने घर में, अपने और बहुत बड़ा भंडारा करते थे जिस प्रकार कबीर किया करते थे, और उनके भजनों का गायन हुआ करता था। वो भी हमें कुछ इसमें ऑडियो में, उस समय तो ऑडियो चला करता था, 1989 में के अक्टूबर में डॉक्टर सीताराम दीन का लोकांतरण हो गया था, और उस समय तक उन्होंने जो काम किए थे वह कुछ तो ऑडियो टेप में भी मिल जाते हैं, और कुछ बाद के विद्वानों ने लिखा भी है, ढेर सारे विद्वानों ने उनके ऊपर लिखा है। उस समय जितने भी साहित्यकार थे कोई ऐसा नहीं जिस पर उन पर लेखनी नहीं चलाई हो। उनके स्मृति ग्रंथ और बाद में जाकर बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन, उनका सामाजिक जुड़ाव भी बहुत बड़ा था और संस्थागत जुड़ाव भी बहुत बड़ा था। वो बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रधानमंत्री थे, नहीं साहित्य मंत्री थे, और साहित्य मंत्री होते हुए उन्होंने बहुत सारे काम किए थे, बहुत सारे अधिवेशन किए थे। जब उस समय के विद्यार्थी, हम लोग भी छोटे विद्यार्थी हुआ करते थे उस समय, तो उनके जो कार्यक्रम हुआ करते थे तो हम सब भी अपने कॉलेज की तरफ से वहाँ जाया करते थे कभी कभी। तो हमने देखा है महादेवी वर्मा, गंगा शरण सिंह और बड़े बड़े विद्वान, धनपत राय, नहीं प्रेमचंद, अमृत राय जैसे लोगों को हमने यहाँ बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के मंच पर देखा था। और वहीं पर प्रातः स्मरणीय कलेक्टर सिंह केसरी, डॉक्टर केसरी कुमार, सबके दर्शन हुए थे उस वक्त। और महादेवी वर्मा को निकट से देखने, उनको सुनने, उनकी रचना सुनने, उनका भाषण सुनने का अवसर मिला था। यह कविवर दीन जी के कारण इस समाज को, इस बिहार की भूमि को यह मौका हासिल हुआ था कि उन्होंने साहित्य की डुबकी लगाई थी, कि जिससे आज भी लोग भीगे हुए हैं, जो उस पीढ़ी के लोग हैं जो जिन्होंने डॉक्टर सीताराम दीन को देखा था, जो अब वो पीढ़ी जाने की कगार पर ही है, अब कुछ ही लोग बच रहे हैं जो भावुक होकर उनको याद करते हैं, और नई पीढ़ी में हम जैसे लोग और बहुत सारे लोग जिन्होंने उनको देखा, उनको सुना था, उनको पढ़ा है, विश्वविद्यालय में पढ़ाया है, वो उनको इतनी निकटता से जानते हैं कि हम सब भी जैसे कि उनके स्वर में स्वर मिलाकर गाते हैं, जागो हुआ सवेरा चारों ओर अरुणिमा छाई पंछी स्वर ने, जो बहुत स्वीट कवि थे वो, बहुत सुंदर। कहाँ वर्ड्सवर्थ को हम पढ़ते हैं, रोमांटिक कवियों को पढ़ते हैं, जब हम कवियों इस कवि को पढ़ें तो ओहो, नूतन अरुणोदय होवे तमका वितान मिट खोवे, झंकृत हो ये जड़ चेतन या देख ज्योति गृह अपना, जीवन का नूतन सपना वह सपना देखा करता था, वह नित्य प्रति नूतन सपना देखा करता था। वह इन सपनों में देश का, समाज का विकास देखा करता था, विश्व का कल्याण देखा करता था। जो लोक मंगल की भावना हम रामचरितमानस में देखते हैं, जो लोक मंगल की भावना हम जिसकी जिसका दार्शनिक विश्लेषण हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल में देखते हैं, वह हम डॉक्टर सीताराम दीन के हर साहित्य में देखते हैं। साहित्य की कोई सी भी विधा हो उसमें देखते हैं। उन्होंने जो नाटक लिखे, नाटक किए, या उन्होंने जो साहित्य के सिद्धांत दिए, उनके सिद्धांत लोक मंगल पर ही आधारित थे। उन्होंने लोक को कभी भी नहीं छोड़ा, उन्होंने जो भी कुछ कहा लोक कल्याण के हितार्थ कहा, और उनके एक मूल वचन थे, दिल से दिल को जोड़ो। दिल से दिल को जोड़ने की उनके, आपको बहुत सुनकर अच्छा लगेगा कि जो मंच कभी भी हिंदी में बातचीत नहीं करती थी, दीन जी के आने से वह मंच हिंदीमय हो जाया करता था। लायंस क्लब, रोटरी क्लब, उसमें आज भी आप देखेंगे हिंदी भाषा में बोलने वाले बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन डॉक्टर सीताराम दीन ने
उनका प्रियम्बल हिंदी में कर दिया था, उनके शपथ पत्र हिंदी में कर दिए थे लायंस क्लब में, और लायंस क्लब में जब हिंदी में बोला करते थे तो लोग मंत्रमुग्ध होकर सुना करते थे, और हिंदी बोलने की परंपरा शुरू कर दी थी उन्होंने। तो हिंदी भाषा का ऐसा प्रेमी वह कवि, उन्होंने इन संस्थाओं के माध्यम से विश्व को बहुत कुछ दिया था। यह एक चार्टर क्लब हुआ करता था लायंस शारदापुरम, उसके माध्यम से भी उनको हम देखा करते थे सामाजिक कार्यों से जुड़ते हुए, सामाजिक संगठनों से के प्रति कार्य करते हुए, और विश्व में कहीं भी कोई भी विपदा आए उसके प्रति भी कार्य करते हुए हमने उनको, इस समाज ने, इस भूमि ने उनको देखा था। और उस सुनती हूँ मैं कि उस गांव में, सीतामढ़ी के जिस गांव में उनका जन्म हुआ था, उस गांव में हर जन्म लेने वाले बच्चे को बड़े होते ही सबसे पहले उनका उदाहरण दिया जाता है कि देखो एक इस मिट्टी से एक ऐसा लाल जन्म लिया था डॉक्टर सीताराम दीन जी, उसकी कहानियाँ कही जाती थी कि जिसके लिए इतनी विपरीत परिस्थितियों में उसने अपनी पढ़ाई की, अपने आप को आगे बढ़ाया और अपने आप को इस प्रकार साबित किया कि विश्व उनको स्मरण करता है। भारतीय हिंदी परिषद यहाँ एक संस्था हुआ करती थी, अभी भी है, उस भारतीय हिंदी परिषद के वो एक सदस्य थे, और उस समय वहीं पर शिव मंगल सिंह सुमन और उनकी वार्ता के कुछ अंश लोग चर्चा किया करते थे, मेरे गुरुजन भी चर्चा किया करते थे और आसपास के लोग चर्चा किया करते थे कि शिव मंगल सिंह सुमन से इतना जुड़ाव था उनका। शिव मंगल सिंह सुमन की एक प्रसिद्ध कविता है, मैं नहीं आया तुम्हारे द्वार, पथ ही मुड़ गया है। तो वह इस प्रकार दीन जी से जुड़े हुए थे कि उन्होंने उनके लोकांतरण के बाद लिखा था कि मेरा पथ भी पटना की ओर मुड़ जाना चाहता है, और मैं पटना आकर बड़े पुनीत भाव से डॉक्टर सीताराम दीन की भूमि को स्पर्श करना चाहता हूँ। और वो पटना आए थे, और पटना आकर उन्होंने उस परिवार में जाकर उनको नमन किया था, और उस परिवार से जुड़े रहे जीवन पर्यंत। ऐसे ऐसे लोगों को डॉक्टर सीताराम दीन ने अपनी ओर आकृष्ट किया था। उनके जीवन के संदर्भ में और उनकी कृतियों के संदर्भ में बातें बहुत लंबी जाती हैं, बातें बहुत उनके अंडर में जो काम हुए थे साहित्य के और समीक्षा के, जो काम हुए थे वो भी अपने आप में विरल हैं। उन्होंने समीक्षा शास्त्र पर तो काम करवाया ही था, उन्होंने लोक विश्रुत बहुत सारी कथा कहानियों पर काम करवाया था, और उनके काम के संदर्भ में जब उनके चीज़ों को पढ़ते हैं तो हमारी दृष्टि खुल जाती है कि वह एक इंसान कितना विशाल दृष्टिकोण रखता था, कितना विशाल नज़रिया रखता था। जब वह रिसर्च करवाता था तो उपन्यास के तत्वों में कौन से पारंपरिक तत्वों में कौन से सूत्र छूट गए हैं उसकी ओर उनका ध्यान जाता था, और उन्होंने सबको जो अपने मूल्यों के आधार पर विश्लेषण करवाया और सबकी चेतना लोक की ओर की, वह एक बहुमूल्य काम उनका हुआ करता था। डॉक्टर सीताराम दीन की कुछ कविताएं भी मैं आज इस मंच पर पढ़ना चाहूँगी कि डॉक्टर सीताराम दीन ने किस तरह की रचनाएं लिखी थी। वह एक गीतकार तो था ही, लेकिन वह सामाजिक चेतना से किस प्रकार जुड़ा हुआ था। उनकी एक पुस्तक है मनुजता की मौत एक परिक्रमा। मनुजता की मौत से वह व्यक्ति आक्रांत था, वह दुखी था। मनुजता की मौत यानी जीवन के घट घट में जो हमारे मूल्यों का अवमूल्यन हो रहा था उसके प्रति वह इंसान किस प्रकार दुखी था कि वह मनुष्यता की मौत एक परिक्रमा लिख जाता है, जिस परिक्रमा में उसने उन चीज़ों को इंगित किया है जहाँ जहाँ शोषण है। हाँ, हम आज छोटे दायरे में शोषण की चर्चा नहीं कर सकते, शोषण का बहुत विस्तार है, कहाँ कहाँ किस किस तरह से शोषण हो रहा है, डॉक्टर दीन के नज़रिए से, डॉक्टर दीन की दृष्टि से देखना पड़ेगा कि हम किस प्रकार, किस किस कोण से
शोषित होते हैं। मनुष्यता की मौत एक परिक्रमा भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण कविता संग्रह है जिसकी चर्चा मैं यहाँ करना कर रही हूँ। मुझे सबसे अच्छी बात जो उनकी लगती है वह है सामाजिकता होते हुए भी उनमें प्रकृति प्रेम कितनी गहराई से है, उनमें प्रकृति प्रेम के साथ साथ श्रृंगार की भावना कितनी गहराई से है, उनके प्रेम परक भी बहुत सारे चित्र दिख जाते हैं। उनकी रचनाओं में जो एक खुशबू सी है वह उनके हृदय में जो प्रेम पल रहा है उसके कारण है। उनकी भाषा की वह प्रांजलता वह इसीलिए है। उन्होंने बज्जिका भाषा पर भी बहुत काम किए थे, बज्जिका भाषा को भी पटल पर लाने के लिए उन्होंने बहुत काम किए थे, और लेकिन हिंदी की कीमत पर नहीं, हिंदी भाषा की कीमत पर कुछ भी उनको सह नहीं था। वह कहते थे बज्जिका के प्राण में हिंदी बसैया, बसैया मतलब बसता है, बस बज्जिका जो है उसके प्राण में, बज्जिका जो बोली है उसके प्राण में हिंदी बसती है, यानी बज्जिका के प्राण में हिंदी बसैया। उन्होंने इस बोली में भी अपने गांव वालों से अपना संप्रेषण बनाए रखा था, और वो आगे बढ़ते गए, मैंने पहले भी कहा कि वो आगे बढ़ते गए कि उन्होंने, लेकिन उन्होंने अपनी परंपरा का परित्याग कहीं भी नहीं किया। कहते हैं लोग कहते हैं कि दीन जी बहुत खूबसूरत थे, डॉक्टर सीताराम दीन बड़े खूबसूरत थे, और उनके वस्त्र धारण करने की नकल हुआ करती थी, लोग उसका उसकी नकल किया करते थे कि वो इतने सुंदर लगते हैं तो उनके वस्त्र, और मैंने पढ़ा है और मैंने जाना है कि डॉक्टर सीताराम दीन जब विद्यार्थी जीवन में थे तो उनके पास सिर्फ दो कुर्ते हुआ करते थे, दो ही कपड़े हुआ करते थे, लेकिन इतने स्वच्छ, इतने धवल कि किसी को कभी समझ में नहीं आया कि दीन जी इतने गरीब हैं कि इनके पास सिर्फ दो ही कपड़े हैं। वह उनके संघर्ष के दिनों में हमने सुना है कि वो सिर्फ कुछ चना के दाने खाकर अपना दिन गुजार दिया करते थे, और उसमें भी कुछ बचा रख लेते थे कि फिर आगे कभी भूख लगेगी तो दो दाने खाकर पानी पीकर अपनी इस क्षुधा को मेटेंगे। ऐसे उस व्यक्ति ने ढेर सारे स्कॉलरशिप लागू किए हुए थे अपनी सैलरी से, जिस समय उनका लोकांतरण होता है उस समय भारतवर्ष में शिक्षकों की इतनी सैलरी नहीं हुआ करती थी, इतना वेतन नहीं हुआ करता था कि लोग स्कॉलरशिप दें अपने पॉकेट से, लेकिन डॉक्टर सीताराम दीन अपने पॉकेट से स्कॉलरशिप दिया करते थे अपनी माता जी के नाम पर, और इसकी कोई चर्चा कभी नहीं हुई, इसे कोई जानते, उनके अपने कॉलेज में उस विश्वविद्यालय में लोग नहीं जानते थे जिस विश्वविद्यालय के बच्चों को वह स्कॉलरशिप दिया करते थे, गरीब बच्चों को जो संघर्ष करके पढ़ रहा है उसके प्रति उनकी अजीब उनका अजीब लगाव था, बहुत ही प्यारा सा उनका संबंध था विद्यार्थियों से, और गरीब बच्चों के लिए उन्होंने राशि, और ऐसा भी कहते हैं कि डॉक्टर दीन का आंगन फूलों से गुलजार रहा करता था, इतने पुष्प प्रेमी, उतना प्रकृति प्रेमी कि उनका पूरा आंगन पुष्प से गुलजार रहा करता था, और उस आंगन में कोई भी अतिथि कभी भी बिना खाए नहीं लौटता था। यह भी कहानी कही जाती है यहाँ पर कि डॉक्टर सीताराम दीन जितना बड़ा साहित्यकार था उतना ही बड़ा मानवतावादी इंसान था। आज के संदर्भ में जब हम मानवतावाद की बात करते हैं, मानवतावादी डॉक्टर सीताराम दीन को हम कैसे भूल सकते हैं, जिसने मानवता की मिसाल अपने जीवन में कबीर को चुना और कबीर की ज़िंदगी जीता हुआ, वह ज्ञान का प्रखर प्रदीप प्रज्वलित करके इस विश्व को चला गया, वह शांति से चला गया, ना वह कभी बीमार पड़ा, ना वह कभी उसने कभी दैन्य को स्वीकारा। यहाँ बहुत बड़े एक कवि हुए हैं प्रफुल्ल चंद ओझा मुक्त जी, उनके मुख से हमने सुना था कि किसी भी कोण से दीन नहीं थे डॉक्टर सीताराम दीन, वो स्वाभिमान के प्रतीक थे डॉक्टर सीताराम दीन। तो क्या कुछ हुआ होगा कि उन्होंने अपना नाम डॉक्टर सीताराम
दीन रखा, दीन उन्होंने अपना उपनाम रख लिया था। वो अपने आप को दीन कह के क्यों गौरवान्वित होते होंगे। तो यह दीनता, यह दीन गरीबी नहीं है, यह दीन बंधुता है। वह दीन बंधु थे ऐसा लोग कहते हैं कि वह दीन बंधु थे। वह गरीबों के प्रिय थे, गरीबों को प्रिय थे और गरीबों को प्रेम करते थे। वह सबके लिए रास्ते बनाते थे, रास्ता ऐसा जो मंजिल तक पहुंचाए, जो लक्ष्य तक पहुंचाए। वह किसी को अधूरे रास्ते में छोड़ने वाला साहित्यकार नहीं था। और कबीर के संदर्भ में तो उनके जो काम हैं उन पर बार बार आना चाहूँगी कि कबीर के दर्शन में जो दार्शनिक तत्व है, जो दार्शनिक भाव हैं, जो शारीरिक क्रिया के साथ साथ आध्यात्मिक क्रिया के साथ साथ सामाजिक क्रिया के साथ साथ सबको लेकर जो उनके उनका एक व्यक्तित्व बनता है, वह विरल व्यक्तित्व बनता है। कबीर के दर्शन में उन्होंने कबीर पर लिखे हुए साहित्य की परंपरा पर भी काम किया था। मैं यह कैसे भूल सकती हूँ कि इस कबीर अध्ययन की परंपरा पर भी उन्होंने विशद काम किया था और उन्होंने खोद खोद कर निकाला था कि कहाँ रविन्द्रनाथ टैगोर ने 100 पोएम्स ऑफ संत कबीर लिखा और कब उनसे आगे बढ़ते हुए सुनीति कुमार चाटुर्या और भी बड़े बड़े विद्वान माता बदल जाय सवाल हजारी प्रसाद द्विवेदी से होते हुए ये कितनी लंबी परंपरा थी कि उसके भी पहले लोग कबीरों को कबीर को कैसे जो जुबान पर उनकी कहानियाँ जो उतरती चली आई हैं वो किस प्रकार उतरती चली आई हैं। तो ज़्यादातर कबीर संदर्भ में जो चीज़ें आई हैं वो गरीबों की जुबान से आई हैं। आज भी आप लोगों को रास्ते में कबीर को गाते हुए सुन सकते हैं और कबीर के भक्तों को देख सकते हैं। तो यह जो जुबान पर श्रृंखला है इसकी भी खोज की थी उन्होंने कविता के स्रोत के संदर्भ में। और उन्होंने कबीरी मठाधीशी पर भी काम किया था, कबीर के मठों की भी गणना करवाई थी और कितने मठ कहाँ कहाँ मठाधीशी है, कहाँ कहाँ लोक मंगल के काम कर रहे हैं, कहाँ कहाँ उनके नाम पर मठाधीशी की जा रही है, इस सब की गणना करवाई थी उन्होंने। और उन्होंने हर मतलब विश्व में कबीर के संदर्भ में जितने काम हो रहे हैं हुए हैं और संकल्पना चल रही है उस पर भी काम किया था उन्होंने। उस समय डॉक्टर डेविड को हमने देखा था वाराणसी में, डॉक्टर डेविड संत कबीर पर काम करने वाले एक विद्वान थे जो ब्रिटिश थे और उनसे डॉक्टर सीताराम दीन उनके साथ मिलकर विश्व में के चिंतन को ध्यान में रखते हुए उस पर भी काम कर रहे थे कि कहाँ क्या कबीर। और बाद के वर्षों में हमने देखा कि विश्व में बहुत सारे कबीर के मठ स्थापित हुए, कबीर की विचारधाराओं को वहाँ स्थापित किया गया और बहुत सारे रिसर्च शोध संस्थान खुले। यह सब प्रेरणा वहाँ से आ रही थी। डॉक्टर सीताराम दीन जैसे कुछ विद्वान थे जिन्होंने विश्व में कबीर की चिंतन धारा को आरोपित करने का विशद काम किया था। वाराणसी में के कबीर चौड़ा मठ में जो मूल गादी है उसमें आज भी एक कमरा दीन जी के कमरे से जाना जाता है। डॉक्टर सीताराम दीन उस कमरे में रहा करते थे, उन साधुओं के बीच में उन साधुओं को सुना करते थे, उनके अंदर उनके मनोविज्ञान को देखा करते थे कि ये काम को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं या मठाधीशी कर पेट पालने वाले लोग हैं। तो बाद में हमने देखा कि वो काम काफ़ी आगे बढ़ा। अभी दिल्ली में बहुत बड़ा शोध संस्थान भी है कबीर के संदर्भ में और कबीर पर तो कबीर को प्रेम करने वाले विश्व में बहुत भरे पड़े हैं। और यह सब इन विद्वानों ने कबीर को खोज कर जब निकाला और लोग पढ़ने लगे कबीर को, तब देखा कि कबीर क्या था और कबीर क्या था बताने वाले। इसी प्रकार नामवर जी ने दूसरी परंपरा की खोज लिख डाली थी
हजारी प्रसाद द्विवेदी के संदर्भ में, तो ऐसे लोग डॉक्टर सीताराम दीन के संदर्भ में भी एक तीसरी परंपरा की खोज भी करनी चाहिए। कोई एक विद्वान उठे और लिखे इस तीसरी परंपरा की खोज, डॉक्टर सीताराम दीन ने इस परंपरा को किस प्रकार आगे बढ़ाया, कबीर को किस प्रकार गुना धुना सुना और विश्वविख्यात कर दिया, कितना काम किया, इसकी भी समीक्षा की जानी चाहिए। और समाज को यह भी चिंता होनी चाहिए कि समाज ही नहीं राष्ट्र को यह चिंता होनी चाहिए, हमारी सरकार को भी यह चिंता होनी चाहिए कि ऐसे ऐसे विद्वानों के किए काम घर में रहकर सड़ जाएंगे, क्या उनको बाहर लाने की आवश्यकता नहीं, क्या उनको प्रकाशन की आवश्यकता नहीं। आज प्रकाशन की जो स्थिति है उस पर अत्यधिक दुख होता है, अत्यधिक पीड़ा होती है, कैसी कैसी चीज़ें प्रकाशित हो रही हैं, पढ़ने की इच्छा ही नहीं होती, ऐसी ऐसी पुस्तकें हाथ में आती हैं कि ये प्रकाशित कर क्या रहे हैं, ऐसी चीज़ें छोड़कर वो कर क्या रहे हैं। तो पैसे कमाने की जो अंधाधुंध ये बाजारवाद है, इस बाजारवाद ने हमें इतनी पीड़ा पहुंचाई है कि हमारी संस्कृति को धोकर नाश कर दिया है, विद्वानों के कृतकार्य नष्ट हो गए हैं। आज उथले और छिछले लोगों के साहित्य बड़े बड़े संस्थान प्रकाशित कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर सीताराम दीन के कबीर के दर्शन और काव्य के स्रोत आज भी अप्रकाशित है। यह पीड़ा की बात है, यह दुख की बात है। वह कवि गाता चला गया, न जाने कहाँ इस अंधेरी निशा में, किनारे किनारे चला जा रहा मैं। वह किनारे किनारे जाता रहा और आज भी जब उन पर चर्चा होने की बात होती है तो लोग 10 विषय सामने रख देते हैं, दलित चिंतन की बात करो, स्त्री चिंतन की बात करो, कौन कौन से मंच की बात करो, अरे कौन है दलित, मैं पुनः विचार करूँगी, कौन है ये दलित। अरे जो चर्चाएं हो गई, जहाँ से निकलकर हम आगे बढ़ गए, जहाँ से हम बहुत विकास कर लिया, फिर अपने आप को हीन भावना से देखने की क्या ज़रूरत, अपने आप को छोटा बनाने की क्या ज़रूरत, अपने आप को दलित कहने की क्या ज़रूरत। हम देखें उनको जो उस अवस्था से आगे बढ़कर इतना बड़ा व्यक्तित्व बनकर प्रेरणा पुरुष बनकर हमारे समक्ष खड़ा हो गया, इतना साहित्य रच डाला, इतनी दुनिया रच डाली, इतने लोगों को इतना विकास कर डाला, क्या कुछ नहीं हुआ। उस पर शोध होना चाहिए, शोध हो भी रहे हैं, उन पर काफ़ी PhD भी हुआ है उनके साहित्य पर और उनके व्यक्तित्व पर, लेकिन और भी प्रसरय की आवश्यकता है, इसको फैलने की आवश्यकता है, लोगों को जानने की आवश्यकता है। और ख़ास तौर से मैं विश्वविद्यालय के मंच पर हूँ, BN मंडल विश्वविद्यालय के मंच पर हूँ, जो हमेशा ही रिसर्च को प्रमुखता देते हैं। यह मंडल अचानक से बनकर बहुत बड़े धरातल पर फैल गया है, इसकी चिंतन पद्धति को लोग देख रहे हैं और नकल कर रहे हैं कि किस प्रकार इन्होंने बच्चों के विकास में काम किया है, सामाजिकता के विकास में काम किया है और राष्ट्रीय चिंतन के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे इस विश्वविद्यालय से जुड़कर मैं गौरव का अनुभव कर रही हूँ और मैं यहाँ के विद्यार्थी खास तौर से पत्रकार डेविड का मैं अभिनंदन करती हूँ, जिसने हम जैसे लोगों को इस विश्वविद्यालय से जोड़ा है। और ऐसे ही लोगों से वह बराबर विश्वविद्यालय के को आगे बढ़ाने के लिए कृत संकल्पित है और विद्वानों से सरोकार में है और विद्वानों को आहूत करता है कि आप नए नए विषय, वह बहुत चिंतन मंथन विद्वानों से विमर्श करके निकालता है और उस पर चर्चाएं होती हैं। मैंने इधर इस पेज को निकाल कर देखा और देखा कि उसने चिंतन के बहुत सारे आयाम निकाले हैं, उसी ने नहीं, वह उस पूरे पेज ने या फिर उस विश्वविद्यालय के का कोई थिंक टैंक है, उसने इस प्रकार इस विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाया है, इसकी मंगल कामनाएं मैं देती हूँ। और डॉक्टर सीताराम दीन को समझने, पढ़ने, उनके सिद्धांतों को विस्तारित करने के लिए यह विश्वविद्यालय कृत संकल्प हो, जिसने मुझे इस विषय पर बोलने के लिए आहूत किया है। डॉक्टर सीताराम दीन, मेरा 1 घंटा का समय मुझे दिया गया था तो यह समय शायद समाप्त होने पर है, बातें तो बहुत लंबी हैं, उनके विषय में कहना शुरू करूं तो कहती ही चली जाऊं। मैं अंत में एक कविता उनकी अवश्य पढ़ना चाहूंगी, जिसे सुनकर हमारे बच्चे भी जरूर पसंद करेंगे, क्योंकि कुछ कविताएं उनकी ऐसी हैं कि बच्चों को सदैव प्रेरणादायी हैं और कुछ रचनाएं
मैं उनके व्यक्तित्व को दिखाती हुई मैं पढ़ना चाहती थी, लेकिन मैं ज़्यादा बोलती ही चली गई तो शायद मुझे कविता पढ़ने का अवसर ना मिले। मैं एक किताब पढ़ एक कविता पढ़ती हूँ मेरे बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए। मंदिर है विश्वास का, मंदिर है विश्वास का, यह जीवन जो है यह एक मंदिर है, और उस मंदिर में हमारे भगवान, हमारे विश्वास रूपी भगवान प्रज्वलित हैं। तू दीपक प्रज्वलित जहाँ, वह मंदिर है विश्वास का। तू दीपक प्रज्वलित जहाँ, वह मंदिर है विश्वास का। जन जन के सुख शांति अखंडित, निर्माणों के आस का। तू ही है सपना भविष्य का और नए अभियान का। तू ही है भावना सृजन की, तू प्रतीक सम्मान का। तू दीपक, तू चाहे तो हो जाए यह देश सुमन एहसास का। तू दीपक प्रज्वलित जहाँ, वह मंदिर है विश्वास का। जो पिछड़े हैं शोषित हैं पीड़ित हैं जीवन सांस का। जो पिछड़े हैं शोषित हैं पीड़ित हैं जीवन सांस का। घुटते हैं पिसते हैं सहमे हैं शिकार संत्रास का। उनका बनो भरोसा शरणागत जो सत्यानाश का। तू दीपक प्रज्वलित वहाँ जो मंदिर है विश्वास का। बच्चों ये लंबी कविता है, लेकिन मैं यह छोड़ती हूँ, मैं एक और कविता सबके लिए प्रस्तुत कर रही हूँ। वह कविता है दीप। दीप का प्रतीक डॉक्टर सीताराम दीन को अत्यधिक प्रिय है। वह दीपक, वह मैंने सुना कि वह गीत भी गाया करते थे, ये कहानी है दिए की और तूफान की। तो दिए और तूफान की तरह उनकी ज़िंदगी नकारात्मकता में सकारात्मक ऊर्जा लेकर चलने वाला वह व्यक्तित्व दीप से प्रभावित तो होगा ही। मैंने सुना है महादेवी वर्मा को भी दीप का प्रतीक बहुत प्रिय था। तो दीन जी की रचना में दीप को सुने। हे दीप प्रकाश मुखर कर दो, हे दीप प्रकाश मुखर कर दे। झंकृत हो जाएं तार सभी, सोए युग से जो गाएं तभी। निष्प्राण प्राण में पुलक नृत्य कर उठे स्वरों के नव स्वर भी। जीवन उदास सुख कर दे, हे दीप प्रकाश मुखर कर दे। यह मौन मुरझते फूल सिसकते, यह मौन मुरझते फूल सिसकते। ले अंतर में शूल धधकते, जीवन की चिर धूमिलता पर प्रखर प्राण के दीप लहकते। गला स्वर्ण शुचिकर कर दे, हे दीप प्रकाश मुखर कर दे। यह निविड़ तमिश्रा है निराशा निराश, यह निविड़ तमिश्रा है निराश। श्रृंखला कसी है हा विनाश, पलके झपती पग भी रुकते। है छिपी न जाने कहाँ आस, रे आशा को द्युतिकर कर दे, हे दीप प्रकाश मुखर कर दे। मानव की दुर्बलताओं को, जीवन विश्रृंखलताओं को, रे युग युग के अकलुष मन को, दानवी कर्म चिंताओं को, दे तोड़ रूढ़ रुचिकर कर दे, दे तोड़ रूढ़ रुचिकर कर दे, हे दीप प्रकाश मुखर कर दे। मानव जीवन निर्भय होवे, पग पग पर मंगलमय होवे। मंगलमय जीवन के सारे चर अचर प्राण तनमय होवे। दिव पुंज रजत हिम कर दे, हे दीप प्रकाश मुखर कर दे, हे दीप प्रकाश मुखर कर दे। इसीलिए मैंने चर्चा की कि वो मंगल लोक मंगल की कामना से मैं रचा बसा वह कविता। वह कहता था दीप मेटेगा मरण के ज्वार, नव निर्माण को हुलसित करेगा। मैं नहीं वह दीप जो कि प्रभंजनों से बुझ सकेगा। प्रभंजन यानी कि आंधियाँ, कितनी भी विकट आंधी आए, दीप अगर प्रज्वलित है और अपनी पूरी ऊर्जा से प्रज्वलित है तो उसे कोई नहीं बुझा सकता। डॉक्टर सीताराम दीन का जीवन उसी दीप की तरह प्रज्वलित रहा। वह तिल तिल जलकर प्रकाश बिखेरता रहा। उनकी वही रचना जो शुरुआत में मैंने कही थी, उसी रचना से अपना यह वक्तव्य समाप्त करना चाहूँगी। नमन तुझे शतबार रश्मि चिरंतन जय हो, नमन तुझे शतबार ज्ञान की रश्मि चिरंतन जय हो। वाणी की झंकार गूंजती रहे चेतने जय हो, चेतने जय हो। नमन तुझे शतवार ज्ञान की रश्मि चिरंतन जय हो। जय हो बच्चों, जय हो आप सबका। और हम पुनः मिलेंगे। यह मंच जागृत रहे, चेतन रहे,
ऐसे लोगों को ऐसे विषय पर वार्ता होती रहे। और इन प्रेरणा पुरुषों को अब बहुत हुआ, हमने बुद्ध महावीर को अपनी पहचान बताते हुए, सम्राट अशोक को पहचान बताते हुए बहुत विलंब हुआ, अब कुछ नए लोगों की चर्चा करो, नए प्रकाश पुंज को समझो, जीवन में अब स्थान दो और उनसे प्रेरणा पाकर संघर्ष करो, संघर्ष करो, सकारात्मक संघर्ष करो, क्रांति करो, सकारात्मक क्रांति करो, रूढ़ियों को तोड़ो, रूढ़ियों से आगे बढ़ो, अपनी नई परंपरा, अपना नया रास्ता बनाओ और लक्ष्य तक पहुँचो। हम जैसे शिक्षक हमेशा साथ हैं, मैं विद्यार्थियों के साथ हमेशा हूँ, मैं भी उसी परंपरा की एक शिक्षक बनना चाहती हूँ जिस परंपरा को डॉक्टर सीताराम दीन जैसा शिक्षक छोड़कर गया है, मैं भी उसी परंपरा पर बढ़ना चाहती हूँ। मैं अपने विद्यार्थियों को हमेशा ही आगे बढ़ने को प्रेरित करूँगी और अपनी पहचान बनाने को प्रेरित करूँगी। नकारात्मकता में मत फंसना, झूठ मूठ की प्रतिक्रिया में मत फंसना, अपना विकास करना है, कहाँ से शक्ति मिले, कहाँ से प्रकाश मिले, उस प्रकाश के प्रति चेतन रहना है, यही कविवर डॉक्टर सीताराम दीन कह गए हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करती हूँ, फिर मिलूंगी, धन्यवाद, आभार, नमस्कार।